ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार परिवार में। मैं साईं अनु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज एक बहुत सुंदर सी लीला हम सभी मिलकर सुनते हैं। मैं बताऊंगी और आप सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी लीला को, जब हम किसी भगवान की लीला को सुनते हैं या कहते हैं, तो कहना और सुनने का एक ही फल प्राप्त होता है। यदि आप कह रहे हैं तो भी उतना ही फल है, यदि आप सुन रहे हैं तो भी उतना ही फल है। तो आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। लीला छोटी सी है पर बहुत ही प्यारी है, और बाबा से जुड़ी हुई है, साईं भक्तों से जुड़ी हुई है, किसी के विश्वास से जुड़ी हुई है, किसी की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो चलिए बात करते हैं, ये लीला आखिर है, किन्होंने कही है और कैसी लीला है। तो ये लीला है हमारे संजीव मेहता अंकल जी की, जिन्होंने हमें व्हाट्सअप किया था इस लीला के बारे में कि हम आप लोगों के साथ इस लीला को शेयर करें। तो ये लीला संजीव अंकल जी के साथ कैसे हुई, क्या हुआ, कब हुआ और बाबा ने क्या किया, ये जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी हम लोग जो भी साईं के भक्त हैं, बाबा के दीवाने हैं, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, सबका मुझे लगता है यही हाल है कि हम जब कहीं जाते हैं तो हम अपने बाबा से, जो घर पे विराजमान बाबा होते हैं, उनसे यही कहते हैं कि हे देवा, अब हम बाहर जा रहे हैं, जो नित्य आपका भोजन का भोग लगता है, आपकी देखरेख करते हैं बाबा, अब वो हम घर पे रहकर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ रहा है। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हम आपसे यही कहते, यही प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं कि हम जहाँ भी रहें आप हमारे साथ साथ रहना, कभी हमसे अलग नहीं होना, क्योंकि आपके बिना हमारी ज़िंदगी बाबा बिल्कुल भी शून्य है, हम आपके बिना रह ही नहीं सकते। तो हम जहाँ रहें आप हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ चलना और हमारी रक्षा करना, हमारा देख रेख करना, हमारी, है ना, सब हम घर पे बोल के चलते हैं। अब बाबा हमारे साथ कैसे चलते हैं, आइए इस लीला से जानते हैं। तो संजीव अंकल जी गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा, जम्मू। तो जब वो जम्मू गए तो वो अपने घर पे ऐसे बाबा को बोल कर गए थे कि बाबा जी, मैं माता रानी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ वहीं पर रहना और मुझे एहसास दिलाना कि हाँ आप वहीं पर हमारे साथ में हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग भी दर्शन करते हैं बाबा जी के भी और माता रानी जी के भी इस लीला के माध्यम से। तो जब अंकल जी जम्मू कटरा गए, माता रानी के दर्शन किए उन्होंने, और दर्शन बहुत सुंदर उनको दर्शन हुए, वहाँ पे भी वो बाबा और माता रानी का ध्यान करते करते उन्होंने माता रानी के दर्शन किए। तो जब वो माता रानी के दर्शन करके लौट रहे थे, तो वहाँ पे उनको कुछ महाराष्ट्रीयन लोग जो थे वो वहाँ पे मिले। तो वो लड़के थे, कुछ ग्रुप था उन लड़कों का, तो वो भी वहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आए थे। तो जब अंकल जी वहाँ से उतर रहे थे दर्शन करके, बाबा जी के माता रानी के दर्शन करके वापसी हो रहे थे, तो वो लड़के उनको मिले, तो उन्होंने उन लड़कों की भाषा सुनकर अंकल जी ने बोला कि आप महाराष्ट्र से हैं, तो उन्होंने बोला जी हाँ, औरंगाबाद। तो अंकल जी ने बोला अच्छा, बाबा की नगरी से, तो उन्होंने बोला जी हाँ। तो बस ये कहना ही हुआ था कि उन्होंने उनको, अंकल जी को एक उदी का पैकेट निकाला और अंकल जी के हाथों में थमा दिया। अब सोचिए, जिसके पास बाबा की उदी आ जाए वो फिर साईं का एहसास कैसे नहीं करेगा। तो अंकल जी, जब अंकल जी को उदी उनके द्वारा मिली, तो अंकल जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उनके शब्द ये हैं कि उन्हें खुशी का पारावार नहीं था उनकी, और वहीं पे उनको एक बाबा का स्वरूप भी दिखाई दिया, जो कि बाबा के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि बाबा आपके साथ मौजूद हैं। और अंकल जी को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि या देवा, तुम मेरे साथ ही हो, तुम मेरे साथ साथ माता पे भी थे, तुम मेरे साथ साथ मेरे सफ़र में भी थे, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बाबा का भक्त बाबा को बुलाए और बाबा ना आए। तो ये भक्त के भाव पर डिपेंड करता है कि आप किस भाव से भगवान को बुला रहे हो। चाहे देखिए भगवान कोई भी है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उनको पुकारते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी अर्जी को ना सुने। देर लगती है, बट देर भी कुछ कारण से लगती है, हमारे कर्म उस तरीके के होते हैं, हमें अभी थोड़ी देर से मिलना होता है, इसीलिए ऐसा सब कुछ जो भी होता है इसीलिए होता है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमरे मन कछु और है, विधाता के कछु और। तो ऐसे ही आप लोग भी बाबा से प्यार करते रहिए और हर जगह बाबा को साथ लेकर चलिए। बाबा की मूर्ति को साथ रखना ही बाबा को साथ रखना नहीं होता। अगर बाबा यहाँ नहीं है तो बाबा कहीं पर भी नहीं है। अगर दिल में नहीं है साईं तो कहीं नहीं है साईं, ठीक है। अपने दिल में बिठाइए बाबा को, और देखिए बोलने को हम भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन खुद कीजिए, खुद मानिए, खुद जानिए, खुद पर भरोसा कीजिए। अगर आपको बाबा पे भरोसा नहीं होगा ना, तो आपको मेरा ये भाषण लगेगा, लेकिन अगर आपको बाबा पे भरोसा होगा तो आपको मेरी बातें भी रास आएंगी।
ठीक है, तो इसी के साथ सबसे पहले तो मैं संजीव अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं बहुत अच्छा लगा आपकी लीला मुझे बताते हुए, और खासकर शिरडी में बैठकर बताना तो मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। सो थोड़ी देर लगी मुझे आपका एक्सपीरियंस बताने में, पर मुझे माफ़ कीजिएगा, बट बहुत ही अच्छा ही बहुत ही सुंदर लीला थी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई लीला है बाबा की जो आप बताना चाहते हैं पर आप नहीं बता सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और 9878246338 पर मुझे मैसेज कीजिए, और आपकी लीला मैं कोशिश करके बाबा की कृपा से ऐसे ही ज़रूर सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो लीला बताते रहिए, मैं भी अपनी लीला आपसे शेयर करती रहूँगी। साईं की लीला है, साईं के दीवाने हैं, और बोलना कहना बहुत सुंदर लगता है, सुनना भी बहुत सुंदर लगता है बाबा की लीला। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा मेरी तरह, मुझे बताना अच्छा लगा तो आपको सुनना भी अच्छा लगा होगा, और ये मुझे पता लगेगा कमेंट बॉक्स से जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये लीला बहुत सुंदर लगी। चलिए बाबा की लीलाओं के साथ फिर ऐसे ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाबा का ध्यान करते रहिए, साईं साईं नाम का जाप करते रहिए, और इसी तरीके से बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम, लव यू ऑल, बाय बाय।